की लाइफ में, मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शनिवार को केंद्रीय जेल इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बंदियों को संबोधित करते हुए उन्हें समझाइश भी दी। वहीं जेल प्रशासन ने बकायदा जेल मैनुअल को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल का स्वागत नियमों के तहत किया। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो इंदौर के केंद्रीय जेल में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि जेल में मानवता की दृष्टि से सुविधाएं होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल ने बंदियों को अपने संबंधों में कहा कि आप सभी जेल में एक छोटी सी भूल के चलते समय गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान के एक मिनट या एक सेकंड का गुस्सा जीवन बर्बाद कर देता है। वहीं उन्होंने बंदियों को बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपना जीवन लेने के लिए नहीं देने के लिए है। आशा करता हूं कि सभी स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और चार दीवारियों के बाहर जाकर समाज और देश के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ जीवन का सार्थक बनाएंगे। आयोजन की याद हमारे अतिथि के मानस पटल पर सदैव चिर चित्र बनाया है, वो भी हमारे अतिथि को हम सम्मान भेंट कर रहे हैं। जोरदार ताली इस कलाकार के लिए जिसके मन में बसते हैं रंगों के सुंदर, जिसको वो रेखा के माध्यम से चित्रित करता है। मैं आदरणीय अरविंद कुमार सर से भी अनुरोध करूंगी कि हमारे सांसद महोदय को भी स्मृति चिन्ह आदरणीय अलका सौंदर जी से। परिस्थिति और मनोवृत्ति के कारण जो लोग चार दीवार के भीतर रह रहे हैं, उनके लिए यह बंदी अवस्था आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर है। अपराध बोझ से मुक्त होने और प्रायश्चित का तरीका है। हो गया सो हो गया, प्रायश्चित करें। सरकार और समाज आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग के लिए प्रयास कर रहे। अभी सांसद जी ने भी कहा, मुझे बताया गया कि सरकार जेल में निरुद्ध बंदियों को आवश्यकता अनुसार 100% विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। बंदियों के विचाराधीन मामलों के जल्दी निराकरण के प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की समस्त जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जोड़ा जाना सराहनीय पहल है। बंदियों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये जरूरी है। कई लोग ऐसे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ेंगे तो अपना विचार बदलेगा, अपना ज्ञान मिलेगा जीवन में कैसे तरह बंदी बनकर भी रहना है तो आपस में कैसे मिलजुल कर रहे और अपना जीवन आनंदमय बीते, ऐसे इसके लिए साहित्य पढ़ना भी आवश्यकता है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। अभी आते आते हमने देखा योग कर रहे थे, अतः योग के कार्यक्रम नियमित आयोजित किए जाए। शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए बंदियों को प्रोत्साहित करें, वो भी चल रहा है यहाँ। उनको शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से आचरण सुधारने और अपराधी कर मनोवृत्ति को समाप्त करने में भरपूर सहयोग किया जाए। जेल की व्यवस्था को सुधार ग्रुप के रूप में संचालित किया जाना चाहिए ताकि बंदियों को रिहाई मिलने पर जीवन यापन के अवसर आसानी से उपलब्ध हो सके। सभी को यहाँ रहना नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भविष्य में। भगवान पे भी भरोसा रखो, न्याय तंत्र पर भी भरोसा रखो, मगर यहाँ जो अपने को सीखना मिलता है वो अपने पारिवारिक जीवन से, बाकी का जीवन वो कैसे अपने बिताए उन पे भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन वही है जो दूसरों के काम आए। ऐसे
कुदरत ने मानवी को जो बनाया हुआ है, सृष्टि की देखो रचना है, भगवान ने सृष्टि की जो रचना किया है मानव को श्रेष्ठ बनाया, ज्यादा बुद्धि दी है, शक्ति दी है, किसके लिए? और भगवान का दिया हुआ बात है। अपने जीवन को तो अच्छा ही बनाए, मगर दूसरे को भी जीवन में उपयोगी काम करे, क्योंकि मनुष्य में शक्ति है। ऐसे रावण में भी बहुत शक्ति थी, मगर नीति नहीं थी। इतना शक्तिशाली रावण अपने कारनामे ऐसे कैसे मारा गया? मेरे इतिहास के पन्ने आप देखेंगे तो कई शक्तिशाली लोग हैं, अपनी शक्ति दूसरी ओर खर्चे, मानवता के बारे में जो खर्चेंगे तो जरूर भगवान को भी बहुत प्यारा लगेगा।